कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी रेसिपीज को जरूर ट्राई कर रहे होंगे, उन्हें लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। आज किचन पार्लर में एक बहुत ही मजेदार सा ड्रिंक बनने जा रहा है। बाजार से महंगे महंगे हम खरीदते हैं, आपने देखा होगा बाजार में लाल शरबत, रू अफजा, जामशीरी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी रेसिपी घर में बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। तो उसके लिए जो चीजें हमें चाहिए, 2 कप मैंने पानी लिया है, 3 कप चीनी ली है, 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने टार्टरी ही, आपको आराम से किसी भी हकीम या पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये इसलिए यूज करते हैं ताकि चीनी जब हम पकाएं तो उसमें क्रिस्टल्स ना बने। तो 1/4 टीस्पून मैंने टार्टरी ली है, चुटकी मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने अर्के गुलाब लिया है और 3 to 4 ड्रॉप्स यानी 3 से 4 कतरे मैंने क्योरा एसेंस के लिए। अब हम इन्हें पकाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, एक पैन में मैंने चीनी डाल दी, पानी डाल दिया और इसे हल्की आंच पर मैं पकाऊंगी जब तक चीनी हल्का हो जाए। ये टार्टरी और नमक भी मैं साथ ही शामिल करती हूँ और इसे हम तब तक पकाएंगे जब चीनी इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। ये देखें, चीनी अच्छी तरह हल हो गई है, अच्छी तरह से भी हल हो गई है। अब मैं इसे तेज आंच पर जरा गाढ़ा कर लूंगी, कंसिस्टेंसी थिक कंसिस्टेंसी करनी हो मैं आपको दिखाऊंगी। तेज आंच पर मैं इसे गाढ़ा करूँ, तो ये देखें सिरप हमारा पक रहा है, गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें क्या करूंगी, अर्के गुलाब डाल दूंगी और 3 से 4 ड्रॉप्स क्योरा एसेंस के, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि इस तरह अगर आप ज्यादा डाल देंगे क्योरा एसेंस तो कड़वा टेस्ट हो जाएगा। इसको तेज आंच पर मैं पकाती रहूंगी, ठीक सा सिरप बन रहा है। मैं क्या करूंगी, इसमें फूड कलर डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालना, आपने देखना है आपको कितना कलर रिक्वायर्ड। बस 5 से 7 मिनट हमने इसे थिक और कर लेना। तो ये देखें थिक सा शरबत तैयार हो गया है, किसी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसे ठंडा करूंगी, जब ये ठंडा होगा और थिक हो जाएगा। अब मैं इसे ठंडा करूंगी और फिर इसे बॉटल में निकाल दूंगी। तो ये देखें ठंडा कर लिया मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे, देखें बिल्कुल बाजार का जिस तरह का शरबत होता है लाल, बिल्कुल इसके जैसा ही बन रहा है। कंसिस्टेंसी भी इसकी चेक करें। अब मैं इसे बोतल में निकाल दूंगी। तो ये देखें मैंने इसको जग में निकाला, अब मैं इसमें बॉटल में निकाल दूंगी। मेरे पास ये बॉटल खाली पड़ी थी, आपके पास कोई भी बोतल हो आप उसमें निकाल सकते हैं। ये मैं इसमें निकाल दूंगी, देखें बिल्कुल बाजार जैसा बना है। तो ये देखें जामशेरी कितना जबरदस्त सा बॉटल में मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको इसका सर्व करने का तरीका भी बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ हम इसको डिफरेंट तरीकों से सर्व कर सकते हैं। ये मेरे पास तुक मलंगा थे, मैंने उसे भिगोया हुआ था पानी में। अब मैं क्या करूंगी, 1 ग्लास में तकरीबन जितना आपको पसंद हो, 2 चम्मच 1 चम्मच, एक में मैं लेमन जूस डाल दूंगी। आपकी अपनी मर्जी, आप जिन तरीकों से भी सर्व करें। ये देखें थोड़ा थोड़ा मैं जामशेरी डाल दूंगी, दो दो मैं आइस क्यूब्स डाल दूंगी जितना आपको ठंडा पसंद है, थोड़ा सा मैं, एक में मैंने 2 तुक मलंगा डाल दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते, देखिए कितना जबरदस्त कलर, सेम लग रहा है ना बिल्कुल बाजार वाले जामशेरी जब हम बनाते हैं। एक में मैंने लेमन जूस के साथ डाला है जामशेरी, कईयों को बिल्कुल लीमू और जामशेरी पसंद होता है, और एक में मैंने तुक मलंगा और
जब इसमें डाले। तो ये तीनों तरीकों से आप इसे सर्व करें। तो ये देखें कितना जबरदस्त सा झटपट सा जामिश्री रू अफजा घर में तैयार हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई करें। इन तीनों तरीकों से आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरह से बनाएं और इंजॉय करें। इवन रमजान में आप इफ्तारी में ये इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन बनाएंगे तो ये बहुत रिफ्रेशिंग ऑप्शन है आपके पास ड्रिंक की। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किचन पार्लर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।